मुंबई 1980 सड़कों पर खोले यहां खून खराबा होने लगा। गैंगस्टर्स के खत्म होने की कहानी शुरुआत से दहला देने वाले रोमांचक देखने के लिए लॉग इन कीजिए www.sonylist.com। क्या हुआ वहां? एक मोमेंट में ऐसा लग रहा था कि हम तुम्हें खो देंगे। Are you alright? No, nothing is fine. Astronaut अलका ने वैसे कोई कसर नहीं छोड़ी थी। You know what, अलका? ये स्पेस सिर्फ दिखने में खूबसूरत है। यहाँ एक छोटा सा लूज नट भी ना पूरे स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में जिंदगी मौत में बदल सकती है। यहाँ अंदर आर्टिफिशियल ग्रेविटी है, तब जाके हम सब सेफ है, लेकिन बाहर तुम खुद तो मरती ही हो, साथ में मैं भी। लेकिन हुआ क्या है? ये मैडम सितारों में इतना लॉस्ट हो गई थी कि इनसे स्पेस स्टेशन का ग्रिप छूट गया। रोशनी, आई थिंक इट्स ओके। हम सब जानते हैं ये अलका का पहला मिशन, और हम सब की जूनियर होने के बावजूद भी इसे ये मिशन हैंडल करने का मौका मिला। गलतियां सबसे होती हैं। आई थिंक यू आर ओवर रिएक्टिंग। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? मैं? लेकिन तुम्हें इस लड़की की स्टूपिडिटी नजर नहीं आ रही है? इसे बाहर अपनी माँ की आवाजें सुनाई दिया कर रही थी।
रोशनी, ये मेरा यकीन है और एक दिन साइंस भी इस चीज को प्रूव करेगा, तब तुम्हें भी यकीन होगा। क्यों कैन यू बिलीव दिस गर्ल? ये एक एस्ट्रोनॉट है। तुम्हारा सिलेक्शन कैसे हो गया इस स्पेस मिशन के लिए? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। इट्स बिकॉज आई एम टैलेंटेड एंड आई डिजर्व टू बी हियर। आई गॉट लॉस्ट आउटसाइड अ बिट। इस साइंस वर्क के प्रिपरेशन के लिए मैं पिछले 48 घंटे से सोई तक नहीं हूँ। सोई नहीं थी ना, कोई बात नहीं, लेकिन अब जाके जी भर के सो जाओ, क्योंकि सुनील आज के बाद ये लड़की हमारे साथ किसी भी स्पेस वॉक या फिर स्पेस असाइनमेंट के लिए साथ नहीं जाएगी। हेलो, तुम शायद भूल रही हो कि इस मिशन की लीडर मैं हूँ एंड यहाँ की इंचार्ज भी, तो तुम ये ऑर्डर्स देना बंद करो। इंचार्ज थी पर अब नहीं। ये सही कह रही है अलका, आज जो हुआ उससे हेडक्वार्टर में भी खलबली मच गई है। हेडक्वार्टर से तुम्हें कुछ दिनों के लिए स्टेप डाउन करने के लिए कहा गया है। रोशनी अब यहाँ की इंचार्ज है। सुनील, बहुत गलत किया है रोशनी ने एंड शी विल हैव टू पे फॉर इट। रोशनी, अलका, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। कहाँ? तुम बस मेरे साथ चलो, आओ चलो बाबा। पर कहाँ जा रहे हैं हम? आओ तो सही, आओ अलका। रोशनी, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, लेकिन उससे पहले तुम सूटअप हो जाओ। रोशनी, तुमने तो मुझे मना किया था, तुमने कहा था मैं तुम्हारे साथ किसी भी स्पेसशिप असाइनमेंट पर नहीं आऊंगी, तो फिर अब तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो, क्या दिखाना चाहती हो? मैं गुस्से में थी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। खैर छोड़ो ये सब, तुम जल्दी से स्पेस सूट पहनो, हम स्पेस में चलते हैं, आओ। ये लो, तुम तैयार हो जाओ, मैं अभी आती हूँ। ओके, ऑल सेट, ऑल द बेस्ट। जब अलका प्रिपेयर नहीं थी तो तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? अलका, अलका, कैन यू कॉपी मी? अलका, मैं मसाकी बोल रहा हूं, मेरी आवाज सुन रही हो ना? अलका जवाब दो। शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। अलका जवाब दो, अलका। सुनील, उसकी ऑक्सीजन सप्लाई चेक करो। अलका, अलका, मेरी आवाज सुन रही हो ना? का जवाब दो अलका। मैम, अलका, मेरी आवाज आ रही है? उसकी ऑक्सीजन सप्लाई जीरो। और उसके पास कोई
कोई बैकअप भी नहीं. आई थिंक शी इज डेड. रोशनी, तुम ही ने मारा है. तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मैं भला उसको क्यों मारूंगी? रोशनी, हमने देखा है तुमने एग्जिट डोर को खोला भी और बंद भी किया. मैंने कुछ नहीं किया. सर 16 घंटे बीत चुके हैं और अभी तक अलका का कुछ पता नहीं चला. सर आई थिंक वी हैव लॉस्ट. और इस सब की जिम्मेदार रोशनी. क्या बकवास कर रहे हो? मेरा अलका को मारने में कोई हाथ नहीं है. यू जस्ट शट अप, डोंट से अ वर्ड. जॉन पेरिक सुनील, ये मिशन अलका की मौत से कहीं बहुत ज्यादा बड़ा है. एंड आई वॉन्ट यू पीपल टू कंटिन्यू विद द मिशन. नो सर, नो सर, वी कांट. मैंने मिशन से रिलेटेड सभी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया. सर आई थिंक यू शुड अबॉर्ट दिस मिशन. ओके, मैं शरण को ऑर्डर कोर्ट्स भेज रहा हूं. तुम लोग अर्थ पर वापस आने की तैयारी करो. ऑलराइट सर. कार्रवाई शुरू की जाए. योर ऑनर, बहुत ही सीधा साधा सा केस है. अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने का सपना देखने वाली ये दो एस्ट्रोनॉट्स रोशनी सिंह एंड द लेट अलका शेखावत, प्रोफेशनल राइवलरी और जेलेसी का एक जीता जागता एग्जाम्पल. पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर हियर कि ये दोनों सेम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से पास आउट हुई थी. इंपॉर्टेंट पॉइंट बीइंग कि उस इंस्टीट्यूट में रोशनी अलका की सीनियर थी, पर इस स्टार एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट में अलका को रोशनी का सीनियर बनाया गया. नहीं रोशनी जी? जी वो क्या रोशनी जी, गुस्सा तो आपको बहुत आया होगा. पोजीशन आपको मिलनी चाहिए थी बट पोजीशन किसी और को मिल गई. मुझे गुस्सा नहीं आया था, पर हाँ मैं डिसअपॉइंट जरूर हुई थी. डिसअपॉइंटमेंट योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड. अगर आप सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट तक नहीं रुकी, आपने प्लानिंग करके उसका कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया. मिस्टर विद्यार्थी, अब तक तो पूरे साक्ष्य और साक्षी भी नहीं आए. जजेस बैठे हुए हैं, मैंने अब तक अपना पक्ष भी नहीं रखा और आप निर्णय तक पहुंच रहे हैं. कल किसने देखा है मिस्टर केडी? निर्णय तो वही होने वाला है. फर्क सिर्फ इतना है कि अभी सिर्फ मुझे पता है कि रोशनी कातिल है. थोड़ी देर बाद इस पूरे कोर्टरूम और जजेस को भी लगेगा. बात की बाद में करेंगे मिस्टर विद्यार्थी. वेल फेयर इनफ, फिलहाल की बात करते हैं. जज साहब, इस केस से जुड़े मैं अपने पहले विटनेस मिस्टर सुनील मनचंदा को विटनेस बॉक्स पर बुलाना चाहता हूँ. परमिशन ग्रांटेड. मिस्टर सुनील, मेरे पास आपके और अकायो मासकी के स्लीपिंग रिकॉर्ड्स हैं और इन रिकॉर्ड्स के हिसाब से जब अलार्म बजा आप लोग अपने स्लीपिंग चेंबर में नहीं थे. कहाँ थे आप लोग? हाँ, मैं रोशनी और अलका के पीछे गया था. पीछा कर रहा था क्यों? जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो मैंने देखा कि रोशनी अलका को किसी बहाने से बाहर ले जा रही है. ये बात मुझे कुछ अजीब लगी. रोशनी और अलका एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते थे, कलीग्स. अगर वो दोनों एक साथ बाहर कुछ देखने जा रहे थे तो आपको अजीब क्यों लगा? सर उसी दिन उन दोनों के बीच में सीरियस झगड़ा हुआ था और रोशनी ने अलका के साथ काम ना करने का डिसीजन लिया. सुनील, आज के बाद ये लड़की हमारे साथ किसी भी स्पेस वॉक या फिर स्पेस असाइनमेंट के लिए साथ नहीं जाएगी. और फिर वही उसे बाहर ले गई तो थोड़ा सा अजीब था. वेल पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, उन दोनों के बीच में एक सीरियस झगड़ा हुआ था और उस झगड़े के चलते रोशनी ने अलका को मारने का प्लान बनाया और उस प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया. योर ऑनर, विद्यार्थी साहब निराधार आरोप लगा रहे हैं मेरी मोकिल रोशनी पर. वास्तविकता में रोशनी अलका को हत्या करने की मंशा से नहीं, किसी और कारणवश वहां चेंबर में लेकर गई थी. कृपया बताइए आप क्यों लेकर गई थी अलका को चेंबर में? मुझे अलका के साथ किए हुए बर्ताव का बहुत दुख था, इसीलिए मैं उसे स्पेस स्टेशन से बाहर लेकर जाना चाहती थी ताकि वो खुश हो जाए. उसे एक तारों का अनोखा फॉर्मेशन दिखाना चाहती थी बस. मिस्टर पाठक, आपने ये सोचा है कि रोशनी अगर अलका को स्टार्स का फॉर्मेशन दिखाना चाहती थी तो वो उसके साथ क्यों नहीं गई?
मैं एस्ट्रोनॉमी के इक्विपमेंट्स लेकर बाहर आ ही रही थी कि जाने ही वाली थी पर गई नहीं। But I'm sorry, Miss रोशनी, कोर्ट आपकी इस दलील को एडमिट नहीं कर सकता है। Your Honor, विद्यार्थी साहब कह रहे हैं कि व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता के कारण रोशनी ने अलका की हत्या की, किंतु ये दलील कुल निराधार है Your Honor, क्योंकि अलका ने जो भूल चूक की उसके बाद इस मिशन का लीडर तो रोशनी को बना दिया गया था, तो फिर प्रतिद्वंदिता तो रही नहीं थी, फिर क्यों हत्या करेंगी? मैं जानता था मिस्टर पाठक की बात जरूर उठाएंगे, पर मिस्टर पाठक डोंट वरी, इसका भी जवाब है मेरे पास। ये पूरा जो मिशन था ये स्टार एक्सप्लोरेशन का मिशन था, मतलब कि नए तारों की खोज। Your Honor, ये अलका की पर्सनल डायरी है और यहां लिखा है कि उसने एक नए सितारे की खोज की और इस खोज की वजह से वो काफी फेमस और पॉपुलर बनने वाली थी, पर ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी सिवाय रोशनी। रोशनी सिंह, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि वो डायरी आपके लगेज में क्या कर रही थी? जी, ये डायरी मुझे अलका ने ही दी थी। मैं जान सकता हूँ किस डेट को हुआ ये सब? 26 फरवरी। Your Honor, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि 26 फरवरी को ये सब हुआ और 27 फरवरी को अलका का खून हो जाता है? Your Honor, अलका और रोशनी सहकर्मी थे, मगर अलका ने इस नए सितारे के बारे में रोशनी को बताया या फिर अलका की डायरी इनके बैग से प्राप्त हुई, इससे ये स्पष्ट नहीं होता, ये प्रमाणित नहीं होता Your Honor, कि अलका की हत्या की है रोशनी ने। रोशनी जी, एक बात बताइए, आपके इस अंतरिक्ष यात्रा की दैनिक सूची होती है, वो मैंने पढ़ी, उसमें बार बार आपने लिखा है कि अलका जी को भ्रम हो रहा था, आवाजें सुनाई दे रही थी, कुछ दिख रहा था, क्या था वो सब? अलका का ये पहला मिशन था और मुझे लगता है कि स्पेस एंग्जाइटी की वजह से वो फोकस नहीं कर पा रही थी। वो अजीब अजीब तरह की चीजें इमेजिन किया करती थी और हमेशा अपने स्लीपिंग चैम्बर से मिसिंग रहती थी और वो हमेशा स्पेस में जाने के बहाने ढूंढती रहती थी। अलका जी की माता जी का स्वर? हाँ, अक्सर अलका को लगता था कि उसकी माँ मरने के बाद एक तारा बन गई है और वो उसे अपने पास बुला रही है। इस कहानी से आप क्या प्रूफ करना चाहती हैं? कि अलका का दिमाग खराब हो गया था? इतनी प्रिपरेशन ट्रेनिंग के बाद वो बिना प्रिपेयर हुए स्पेस शटल से एग्जिट कर सकती थी अपने आप? ये कहना चाहती हैं आप कि वो अपनी मौत की जिम्मेदार खुद है? जी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन अलका को कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर थी। कोई प्रॉब्लम नहीं थी Your Honor, वो सिर्फ अपनी माँ को मिस कर रही थी और माँ को मिस करने का मतलब ये नहीं होता कि दिमागी संतुलन खराब हो गया। Your Honor, अंतरिक्ष यात्री के सुरक्षा क्रम की सूची ये कहती है कि अंतरिक्ष यात्री को सर्वप्रथम चेंबर में घुसते ही सुरक्षा डोर या सुरक्षा तार अपने स्पेस सूट से बांध ले, जोड़ ले, किंतु अलका ने ऐसा किया नहीं था। फिर अचानक चेंबर का द्वार खुला और मिस्टर केडी, दरवाजा अपने आप नहीं खुला बल्कि खोला गया। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, इतनी एडवांस स्पेसशिप में दरवाजा अपने आप नहीं खुल सकता। चर्चा दरअसल हुआ ये था, इन दोनों की लड़ाई तो हुई थी, उसके बाद शी वॉज जेलिस कि उसने तारे की डिस्कवरी भी कर, इसे लगा कि ये तो पीछे रह गई, तो इसने उसे मारने का प्लान बनाया और उस प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया। रोशनी सोके, हम सब जानते हैं ये अलका का पहला मिशन है और हम सबकी जूनियर होने के बावजूद भी इसे ये मिशन हैंडल करने का मौका मिला। अलका, तुम्हारी माँ सितारों में रहती है ना, अब मैं तुम्हें सीधा उन्हीं के पास भेज देती हूँ। और अलका अगर उस सेफ्टी कॉर्ड को यूज भी करती तो भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि
रोशनी ने उसकी मौत का पूरा इंतजाम करके रखा था। मैंने सेफ्टी कॉर्ड नहीं काटा था और ना ही वो स्विच ऑन किया जिसकी वजह से वो दरवाजा खुला। एब्सोल्युटली इर्रेशनल, झूठ बोल रही हैं आप। आपके कलीग्स सुनील और आकिर दोनों ने कहा है कि आपने ही वो बटन दबाया था, और तो और उस बटन पर आपके फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद थे मिस रोशनी। विद्यार्थी साहब, हो सकता है कि मेरे मुवक्किल का उस बटन के पास होने का कोई और कारण हो। क्या कारण था? उस खुले हुए दरवाजे को बंद करने के लिए। अगर वो दरवाजा थोड़ी भी देर खुला रहता ना, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से पूरा स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो सकता था। और उस द्वार को बंद करने के लिए योर ऑनर, जब रोशनी ने बटन दबाया, उस समय इनकी उंगलियों के छाप उस बटन पर आए। केडी सर, आपकी मुवक्किल को स्पेसशिप की परवाह तो थी, मगर अपनी कलीग अलका की परवाह जरा भी नहीं। मैं अलका को नहीं बचा सकती थी, और मैं तो क्या, कोई भी अलका को नहीं बचा सकता था, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था मेरे पास। योर ऑनर, रोशनी का कहना है कि अलका को बचाया नहीं जा सकता था। वेल, इस केस से जुड़े कुछ तकनीकी पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए मैं स्टार एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट के हेड मिस्टर सिद्धांत को इंटरोगेशन के लिए बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। मिस्टर सिद्धांत, अलका की जिन सर्कमस्टेंसेस में डेथ हुई और जिस तरह से रोशनी वहां मौजूद थी, क्या रोशनी अलका को बचा नहीं सकती थी? बिल्कुल बचाई जा सकती थी। इस तरह की सिचुएशन में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बट इट्स वेरी सैड, रोशनी ने रेस्क्यू गाइडलाइंस को फॉलो ही नहीं किया। सर, क्या कह रहे हैं आप? क्या मेरे पास उस वक्त उन गाइडलाइंस को फॉलो करने का टाइम था? और अलका रेस्क्यू प्रोटोकॉल के किसी भी पैरामीटर में फिट नहीं बैठ रही थी, और जब तक हम कुछ कर पाते, अलका स्पेसशिप की रीच से काफी बाहर पहुंच चुकी थी। तो मिस्टर आकियो मासा की, आपके हिसाब से रोशनी अलका को बचा सकती थी? यस। अगर रोशनी ने सही समय पर इमरजेंसी स्विच ऑन कर दिया होता, तो एक सेफ्टी नेट जैसा एक्टिवेट हो जाता और अलका को पकड़ लेता। मासा की साहब, आपने कहा कि अगर वो सेफ्टी नेट एक्टिवेट हो जाता तो अलका उसके पकड़ में आ जाती, बच जाती। जहां तक मेरी जानकारी है, सेफ्टी नेट का इमरजेंसी स्विच जो होता है वो अंतरिक्ष यान अर्थात स्पेसक्राफ्ट के कॉकपिट में होता है। हाँ जी हाँ। तो आपका ये कहना है कि रोशनी वहां न जाकर, कॉकपिट में न जाकर, यहीं से उस बटन द्वारा दरवाजे को बंद करने का प्रयास कर रही थी? हाँ। वैसे ये जो दरवाजा, जो द्वार चेंबर का खुला था, ये मैन्युअली खोला गया था या ऑटोमेटिक स्विच के द्वारा खुला था? इस तरीके का एंट्री लॉक होता ही नहीं है जिससे ये पता चले कि दरवाजा मैनुअल तरीके से खुला है या ऑटोमेटिक तरीके से। छोड़ दीजिए इस बात को, ये बताइए कि जब ऐसे चेंबर में से कोई अंतरिक्ष यात्री छूट जाता है तो उसे पकड़ से बाहर जाने में कितना समय लग जाता है? 15 to 20 seconds मैक्सिमम। मतलब 15 से 20 सेकंड के अंदर अगर अलका हाथ में नहीं आई होती तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता था। और ये जो इमरजेंसी स्विच जो होता है सेफ्टी नेट का और द्वार बंद करने का, ये कॉकपिट में होता है, तो जहाँ पर रोशनी थी वहाँ से कॉकपिट तक जाने में, स्विच ऑन करने में क्या लगता है आपको, कितना समय लगता होगा? कम से कम 1 minute लगते हैं। 1 minute पूरा लगता है जी। तो आपने कहा कि 15-20 seconds लगता है बचाने को और 1 minute लगता है इमरजेंसी स्विच तक पहुँचने को, अर्थात कि अगर रोशनी वहां गई होती कॉकपिट में तो अलका को बचाने का कोई रास्ता नहीं होता। जज साहब, पहले मैं ऑटोमेटिक तरीके से उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वो ऑटोमेटिक तरीके से बंद नहीं हुआ तो मैंने मैन्युअली दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, और इसीलिए मुझे वहां पर टाइम लग गया। मिस रोशनी, आपने जान पूछ के टाइम लगा दिया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जज साहब, इन्होंने बड़ी इंटेलिजेंटली एग्जिट डोर को ऑटोमेटिकली खोल लिया और मैनुअली उसे बंद भी कर दिया। दुरुस्त है, इस सब से अलका की रिसर्च का सारा क्रेडिट आपको मिल तो जाता ही, साथ ही साथ आपका बदला भी पूरा हो जाता। दैट्स राइट रोशनी जी, इजंट इट? विद्यार्थी साहब, आप भूल रहे हैं कि सुनील और मसाकी साहब ने यहां आकर झूठ बोला है। योर ऑनर, मैं सुनील को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। सुनील जी, क्या आपने रोशनी को उस द्वार को बंद करते हुए देखा था?
जी सर। और क्या आपने रोशनी को उस दरवाजे को उस द्वार को खोलते हुए देखा था या कोई बटन दबाते हुए देखा था जिससे वो द्वार खुलता है? हाँ सर। समय आप और रोशनी वहां थे, अलका बाहर अंतरिक्ष में जा चुकी थी। मगर सर वहां रोशनी के अलावा कोई था ही नहीं, तो फिर वो बटन कौन दबाएगा? मसाकी साहब कहां थे, कब आए वहां, क्या कर रहे थे? वो थोड़ी देर के बाद आए। बताइए मसाकी साहब, आप इतने रात गए क्यों थे? आवाज से मेरी नींद खुल गई थी और मैंने देखा मेरे सिवा वहां कोई नहीं था और मैं चेक करने गया। अर्थात आपको और सुनील साहब दोनों को ये संदेह था कि रोशनी अलका को मारने का प्रयास कर रही है। तो विचित्र बात यह है कि आप दोनों में से किसी ने भी अलका को बचाने का प्रयास नहीं किया और रोशनी को रोककर ये पूछने का भी प्रयास नहीं किया कि वो अलका को स्पेस सूट में इतनी रात गए बाहर क्यों ले जा रही है। मुझे पूछने के लिए टाइम नहीं मिला सर, उससे पहले ही रोशनी ने चैम्बर का दरवाजा खोल दिया जिसके कारण अलका बाहर चली गई। योर ऑनर, मुझे ये लगता है कि अब इस केस में कुछ बाकी नहीं रहा है। इस सब से यही साबित होता है कि रोशनी ने अलका का खून किया है। आई थिंक द केस शुड बी क्लोज। मुझे लगता है योर ऑनर के विद्यार्थी साहब शीघ्रता कर रहे हैं निर्णय तक पहुंचने की। सोचने वाली बात है कि अगर रोशनी की मंशा होती अलका की हत्या करने की तो वो इस प्रकार से क्यों करती? क्योंकि वो जानती थी कि ऐसा करने से अलार्म बज जाता, अलार्म बजता तो सबको खबर हो जाती और वो पकड़ी जाती। मसाकी साहब, आप तो उस अंतरिक्ष यान के सुरक्षा अधिकारी थे, फिर आपने इमरजेंसी स्विच का उपयोग क्यों नहीं किया? मैंने कोशिश की थी सर, शटल में एग्जिट कंट्रोल करने के लिए एक तीसरा इमरजेंसी स्विच है जिसका एक्सेस कोड सिर्फ मेरे ही पास होता है। मैंने उसे एक्टिवेट करने की कोशिश की पर उस समय वो काम ही नहीं कर रहा था सर। इमरजेंसी बटन होते हुए भी उसका उपयोग न किया जाना आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। आश्चर्य की बात तो यह है मिस्टर केडी कि आप ये मानने को तैयार ही नहीं हैं कि रोशनी ने अलका का खून किया है, क्योंकि उस पूरे स्पेसशिप में और कोई नहीं था जिसके पास खून करने का मोटिव हो। यह अदालत आगे की कार्रवाई के लिए मुलतवी की जाती है। मैंने सारी चीजें चेक की हैं, पर ये वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। ये सीडी लगा। हेलो, क्या सी, कब हुआ ये? थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ सर? वरुण, वो कह रहे थे कि एक चीनी अंतरिक्ष स्थल ने अंतरिक्ष से अलका का मृत शरीर पुनः प्राप्त किया है, धरती पर भेजा है उन्होंने, लेकिन बहुत ही खराब अवस्था में है उसका देह, कोई पहचान नहीं पा रहा उसे। वो सीडी प्ले कर जरा। से अकाया तो झूठा निकला। अकियो मासाकी के बारे में और जानकारी प्राप्त करनी होगी। कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, जिस खराब हालत में अलका की डेड बॉडी मिली है उसे बयां करना मुश्किल है। रोशनी ने अलका को मार के ये साबित कर दिया है ये सिर्फ दिखने में इंसान है। योर ऑनर, रोशनी इंसान भी है और इंसानों वाला दिल भी है इनके पास। विद्यार्थी साहब ने पिछली सुनवाई में ये कहा था कि अखियो मसाकी साहब के पास अलका को मारने का कोई कारण नहीं था। मेरा ऐसा मानना है कि उनके पास कारण था।
क्या थी वो वजह, मुझे बताएंगे आप? नहीं, केवल आपको नहीं, अदालत को भी बताऊंगा और प्रमाण के साथ। अगर आपकी अनुमति हो योर ऑनर, तो इस डीवीडी को यहां चलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। जैसा कि आपने देखा योर ऑनर, केवल चलचित्र है, स्वर नहीं, ध्वनि नहीं। ये तो मसाकी साहब ही बता सकते हैं कि क्या घटना घटी थी वहाँ। आपकी अनुमति हो तो उन्हें बुलाओ। परमिशन ग्रांटेड। अकी मसाकी साहब, ये जो चलचित्र अभी हमने यहाँ देखा, ये अलका जी की मृत्यु के 2 दिन पूर्व का है। दुर्भाग्यवश कोई ध्वनि नहीं है, क्या बातचीत हो रही थी? कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं, फिर कुछ तो अवश्य है। आपकी आज्ञा हो तो मैं सिद्धांत जी को बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। सिद्धांत जी, जिस समय का ये फुटेज है, क्या उस समय अलका की आपसे किसी विषय में वार्तालाप हुई थी? जी। क्या क्या कहा था, क्या वार्तालाप हुई थी? अलका स्पेसशिप को लेकर परेशान थी, उसे किसी पर शक था कि वो स्पेसशिप को डैमेज कर रहा है। अच्छा, कोई डैमेज करने का प्रयास कर रहा है, तो नाम बताया था उसने, किस पर संदेह था उसे? जी, अलका को अकियो मसकी पर शक था। सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं इनोसेंट हूं। आप अदालत की कार्रवाई में दखल दे रहे हैं, बैठ जाइए। ये जो घटनाएं हैं योर ऑनर, अकियो मसाकी स्पेसशिप को डैमेज करने का प्रयास कर रहा था, सिद्धांत जी ने कहा, और इस फुटेज से भी ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं मसाकी निवेदन कर रहा है अलका से कि अलका जी उनकी कंप्लेंट ना करें सिद्धांत जी से। संभवतः इसी के चलते अकियो ने हत्या की है अलका जी। मैंने अलका को नहीं मारा। आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। सर, मैं स्पेसशिप को डैमेज नहीं कर रहा था। हाँ, कुछ दिनों से स्पेसशिप के ऊपर सेक्टर में माइनर प्रेशर डाउन था, मैं उसे ही चेक करने के लिए गया था। यहाँ रैप्चर कैसे हो गया? ओह, तो मेरा शक सही निकला, इन सैबोटेजेस के पीछे तुम ही हो। नहीं नहीं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने इसको नहीं किया है, किसी और ने किया है। क्यों कर रहे हो तुम ये? आखिर क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हो तुम इस स्पेसशिप को? मैं नहीं पहुंचाना चाहता हूं, मैंने नहीं किया। अलका, अलका का मुझ पर डाउट करना गलत था। झूठ बोल रहे हैं आप मसाकी साहब। वास्तव में आप नहीं जानते थे कि वो कम्युनिकेशन सेटअप ऑन था। दुर्भाग्यवश फुटेज में हमारे पास साउंड नहीं है, इसी का लाभ उठाकर आप झूठ बोल रहे हैं। योर ऑनर, इस फुटेज की मैंने लिप सिंक जांच कराई है, आपकी अनुमति हो तो एक बार फिर चलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। प्लीज अलका, इट्स जस्ट अ मिस्टेक। सिद्धांत सर से इस बात की रिपोर्ट मत करना, मेरे करियर का सवाल है। प्लीज अलका। हाँ, मेरी ही लापरवाही की वजह से स्पेस स्टेशन डैमेज हो गया। मुझे डर था कि कहीं अलका सिद्धांत सर से शिकायत न कर दे। योर ऑनर, मसाकी साहब ने अपने कथन में कहा था कि ये घटना वाली रात अचानक उठे थे। इनके उठने का कारण ये नहीं था कि इनके बाकी के 3 साथी निद्रा कक्ष में नहीं थे, बल्कि कारण ये था। मसाकी साहब, आपने कहा था कि वो इमरजेंसी हेल्प बटन वो चल नहीं रहा था। योर ऑनर, मैंने इंजीनियर से रिपोर्ट मंगवाई थी उस बटन की, जिसके अनुसार वो हेल्प बटन चल रहा था और अब भी चल रहा है। झूठ बोला था। इरेलेवेंट केडी सर, अब आप ये प्रूफ करना चाहते हैं कि मसाकी ने खून किया था? योर ऑनर, इस बात की संभावनाएं तो प्रबल है। मैं केवल इस बात की पुष्टि करना चाहता हूं अदालत में कि और लोगों के पास भी अलका की हत्या करने का उद्देश्य था या और कारण था, जैसे कि सुनील साहब भी तो थे वहां। अब आपकी शक की सुई सुनील पर टिक गई। केवल संदेह नहीं कर रहा योर ऑनर, मेरे संदेह का आधार कुछ प्रमाण है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं सुनील साहब को यहाँ बुलाऊं। परमिशन ग्रांटेड। सुनील जी, अलका जी की ये डायरी हमारे प्रोसिक्यूटर साहब तो यहाँ प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत कर चुके हैं, लेकिन ये अंतिम पन्ना शायद देखना भूल गए थे। देखिए,
अलका ने लिखा है सुनील मुझे मारना चाहता है। सर मुझे नहीं पता आखिर अलका को ऐसा क्यों लगा कि मैं उसे मारना चाहता हूँ। योर ऑनर, इस सवाल का जवाब यही है कि सुनील को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद रोशनी सिंह है। देखिए योर ऑनर, एक निर्दोष व्यक्ति की तो जान जा चुकी है, दूसरे निर्दोष व्यक्ति की जान जा सकती है। मैं निवेदन करता हूं इस कोर्ट से कि निर्णय तक पहुंचने में शीघ्रता न करें, मुझे इस केस की बारीकियों को जांचने का और समय दिए। यह अदालत मिस्टर केडी को 3 दिन का वक्त देती है। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड टिल डेट। हम लोग अलका के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने गए थे। आप लोग अंदर नहीं जा सकते, ऊपर से ऑर्डर है। अंदर जाने के लिए किसी को इजाजत नहीं है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अलका की बॉडी को इतनी जल्दी तिलांजलि दी गई है। सर मुझे कुछ बड़े लेवल की गड़बड़ लग रही है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैंने किसी को बोल के रखा हुआ, मैंने उसकी एक बार मदद की थी, आज उसकी बारी। जैसी कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी वो तुरंत हमें बताएगा। उसी का फोन। हेलो, हाँ बोल। क्या ठीक है, मारे से लगता है इसे कुछ पता चल गया, कह रहा है कि कॉन्फिडेंशियल है, मिलकर ही बताएगा। चल बता कर। ये है अलका के टिश्यू सैंपल, देखा अलका के टिश्यू में एलियन वायरस है। क्या ये कैसे हो सकता है? ये एक यूनिक वायरस है, मैंने भी आज तक ऐसा वायरस नहीं देखा। जरूर अलका आउट स्पेस में इन्फेक्ट हुई है। ये टिश्यू सैंपल तो नॉर्मल है, तुम झूठ क्यों बोल रहे? तुम लोगों ने ध्यान से देखा नहीं शायद। वायरस डिसअपीयर कैसे हो गए? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने देखा था एलियन वायरस को, और शायद यही वजह है कि अलका की बॉडी को इस हड़बड़ी में तिलांजलि दी गई है। सुनील जी, चेंबर के उस द्वार को खोलने के कितने बटन थे स्पेसक्राफ्ट पर? सर 3 थे, एक अंदर, दूसरा बाहर और तीसरा अपर डेक पर। और ये योर ऑनर, ये रिमोट है उस चेंबर के उस द्वार को खोलने के लिए, और ये आप ही ने बनाया था ना सुनील जी? ये आप ही ने बनाया था, इसका उपयोग भी आप ही ने किया था। मैं मानता हूँ कि रिमोट मैंने बनाया, लेकिन इसे कभी यूज नहीं किया। अच्छा, आपने बनाया किंतु इसका उपयोग नहीं किया, क्यों? सर अगर इस रिमोट डिवाइस को यूज किया जाए तो कुछ देर के लिए इमरजेंसी हेल्प बटन जैम हो जाता, लेकिन फिर वो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो मसाकी साहब कह रहे थे कि इमरजेंसी बटन जैम हो गया था जब उन्होंने प्रयास किया, तो संभव है कि आपने इसका उपयोग किया जिसके कारण इमरजेंसी बटन जैम हो गया? नहीं सर, मैंने इसे इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपने इस रिमोट का उपयोग नहीं किया तो किसने किया? योर ऑनर, रोशनी ने बड़े ही इंटेलिजेंट तरीके से रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल किया जिससे कि उसका इमरजेंसी बटन जैम हो जाए। योर ऑनर, मैं इस रिमोट के बारे में आकियो से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। आकियो, क्या तुमने सुनील को इस रिमोट को इस्तेमाल करते हुए देखा है? जी हाँ, जब सुनील ने इसको बनाया था तब टेस्टिंग के दौरान देखा था। और ये रिमोट कहाँ रखा रहता है? इक्विपमेंट रूम में। क्या रोशनी उस रात या उस रात से पहले इक्विपमेंट रूम में गई थी? इक्विपमेंट रूम की इंचार्ज तो रोशनी ही है, वो अक्सर वहाँ जाती रहती है। वेल योर ऑनर, और कुछ कहने सुनने को बाकी नहीं रह जाता, सारे गवाह और सबूत यही प्रूव करते हैं कि रोशनी ही अलका की मौत की जिम्मेदार है। योर ऑनर, मुझे लगता है कुछ आवश्यक जानकारी लेकर आए हैं, आपकी अनुमति हो तो मैं। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, अभी अभी ऐसी जानकारी मिली है जो इस केस को बिल्कुल नया मोड़ दे देगी। योर ऑनर, इस केस को शेष करने में हम सफल होंगे योर ऑनर, लेकिन मुझे तुरंत ही वहां जाना होगा, आपकी आज्ञा हो? ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। प्रभाकर जी बाहर आइए। नहीं केडी साहब, अलका में जो वायरस मिला है वो अब मेरे अंदर है, अगर मैं बाहर आया तो वो वायरस बाहर फैल जाएगा। आपको बचाने का कोई तो रास्ता होगा। अब मैं नहीं बचूंगा। तो प्रभाकर जी, क्या इसका अर्थ ये होता है कि अलका स्पेस स्टेशन के अंदर ही इन्फेक्ट हुई थी इस वायरस से? हाँ सर, ये वायरस सीधा दिमाग पे असर करता है। तो फिर सुनील और अकियो भी, वो भी शिकार हुए होंगे इस वायरस का? पता नहीं सर, ये वायरस लीच की तरह है, बहुत फास्ट बॉडी में ग्रो होता है।
पैरामेडिक्स को बोल के इस पते पर जल्दी पहुंचे। जी हाँ यार ऑनर, वायरस, एक ऐसा वायरस जिसके बारे में पृथ्वी का कोई भी साइंटिस्ट नहीं जानता था, और अलका उस वायरस से इफेक्टेड थी, इसीलिए आवश्यक हो गया था अलका को खत्म करना। अलका खत्म तो वायरस भी खत्म। साकी साहब, सुना है कि दो दिन पूर्व आपने अपने एम्बेसी से संपर्क किया था, आप अपने वतन लौट जाना चाहते थे, क्या कारण था इसके पीछे? अगर मैं यहाँ रहा तो मैं भी मर जाऊंगा। जिसने अलका को मारने की कोशिश की शायद मुझे भी मार दे। सुनील जी, क्या यह सत्य है कि अलका की डेड बॉडी मिलने के बाद से आपको ये डर हो गया था कि आप भी उस वायरस का शिकार हो जाएंगे? जी, हम लोगों को डर था कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो कहीं हमारे साथ ना होने लगे। मिस्टर पाठक, आप एक बहुत ही बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या आपको इस दावे को सब्सटैंशिएट करने के लिए तथ्य हैं? कौन है इसके पीछे? सिद्धांत जी, क्या आपको नहीं लगता कि अलका जी का देह बहुत ही जल्दबाजी में दहन कर दिया गया? उसकी बॉडी डिग्रे हो रही, कंटामिनेट हो रही थी, सो बेटर टू बी सेफ। अच्छा, मतलब आप जानते थे कि अलका जी इस एलियन वायरस से अफेक्टेड थी? नो, नॉट एट ऑल, इम्पॉसिबल। मतलब आप नहीं जानते थे कि उन्हें ये बीमारी हुई? मैं इस मिशन का कमांडर, और इस तरह की कोई बात होती तो मुझे जरूर बताई जाती, सबसे पहले मुझे बताया जाती। पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं आप? ऑफ कोर्स। तो इसका अर्थ ये होता है कि मेरी जो थियरी है कि अलका जी उस वायरस से अफेक्टेड थी जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई, ये भी गलत है। ये लीजिए आपके लिए। ये मैं समझा नहीं। ये अलका जी का पेन है, आखिरी दिन तक इसी कलम से वो अपनी डायरी लिख रही है। ये क्या क्या बेहूदगी है ये? आप जानते हैं कि इसकी वजह से मैं उस वायरस में इन्फेक्टेड। क्या हुआ सिद्धांत जी, इतना भयभीत क्यों हो रहे हैं? अभी अभी तो आप कह रहे थे कि आपको पूरा विश्वास है कि अलका जी कोई ऐसे एलियन वायरस का शिकार नहीं थी, फिर उनका कलम हाथ में पकड़ते ही आपका ये रिएक्शन। इसका अर्थ यह होता है कि आप जानते थे कि अलका इस वायरस का शिकार है और इसी के कारण उसकी मृत्यु हुई। ये तो अच्छा है कि इस वायरस की पूरी बातें डॉक्टर प्रभाकर मृत्यु से पहले ऑनलाइन अपलोड करके गए। तो यही कारण कि आपने समझा कि अलका के कारण बाकी तीन एस्ट्रोनॉट्स को भी ये बीमारी हो जाएगी और आपका ये स्पेस मिशन अधूरा रह जाएगा। क्या कहा था मैंने अभी भी? अलका खत्म तो वायरस भी खत्म, इसीलिए आपने अलका को खत्म किया। अब आगे आप बताएंगे या मैं बोलता जाऊं? मैंने अलका को मारा है। उसने ही मुझे स्पेस स्टेशन में डैमेज की बात बताई थी। जब उसने मुझे यह बताया कि कुछ दिनों से वो नॉर्मल नहीं फील कर रही है, बहुत अजीब सा फील कर रही है। जो मैंने आपको स्ट्रेस डेटा और मेडिकल रिपोर्ट्स बीम किए थे, उनमें कुछ नजर आ रहा है क्या? डोंट वरी अलका, चिंता की कोई बात नहीं, अपने काम पर ध्यान दो। ओके? ओके सर। मैं समझ गया था कि डैमेज रिपेयर्स के दौरान वो एलियन वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है। मैं अलका को स्पेस शिप से बाहर लाना चाहता था ताकि उसे मार सकूं। उसके स्पेस सूट में लगे रिसीवर में मैं उसकी मां की रिकॉर्डेड आवाज से उसे हिप्नोटाइज करने लगा। अलका, यहाँ आओ, यहाँ आओ बेटी, मेरे पास आओ बेटी। और वो हर समय स्पेस में जाने के लिए बेचैन रहने लगी। उस रात जैसे ही अलका ने एस्ट्रोनॉट सूट पहना, उसे कम्युनिकेशंस एक्टिव हो गए और मुझे सिग्नल मिल गया। Thank you.
अभी अदालत मिस्टर सिद्धांत को दफा 302 के तहत गिरफ्तार करने का ऑर्डर देती है और इसी दफा के तहत इन पर मुकदमा चलाया जाए। एस्ट्रोनॉट रोशनी को निर्दोष पाकर ये अदालत उसे अलका शेखावत के मर्डर केस से बाइज्जत बरी करती है। मेरी जिंदगी के साथ ऐसी राजनीति क्यों? और फिर आप लोग दावा करते हैं बदलाव का? ये कोर्ट इस केस के अपराधी को फांसी की सजा सुनाती है। अब आप देख सकते हैं क्राइम पेट्रोल के नए और पुराने एपिसोड्स www.sony.com।